वंदे मातरम के लिए खड़े हो जाएं। मेरी आवाज आ रही, वंदे मातरम के लिए खड़े होना है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम सुभ्रजोत्स्नां पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभनी सुहासिनी सुमधुरभासिनी सुखदाम्बरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की अभी मैं देख रहा था गोपाल भार्गव जी कहाँ हैं। गोपाल भार्गव जी, ये कोरोना में तो और स्मार्ट लग रहे हो आप। कोरोना पॉजिटिव आया और स्मार्ट लग रहे हो। चलिए आप स्वस्थ रहें और क्वारंटाइन का टाइम पूरा करें। हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी अस्वस्थ हैं, भर्ती हैं अस्पताल में। वो अस्पताल में भर्ती है, वो भी जल्दी स्वस्थ हों। विश्वास सारंग अब स्वस्थ होके लौटे आए, लेकिन अभी आइसोलेशन में उनको रहना होगा। हमारे एक और विधायक साथी विजयपाल सिंह, वो भी कोरोना से प्रभावित होकर अभी अस्पताल में है। ब्यावरा वाले भी अस्पताल में है क्या? नहीं, ब्यावरा वाले। मित्रों, आज का दिन मध्य प्रदेश के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर है, बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग के श्रीमान नितिन गडकरी जी ने 1361 किलोमीटर लंबाई के 11,428 करोड़ रुपए की लागत से बने कुल 45 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। 26 कार्यों का लोकार्पण हुआ है। 8,819 करोड़ की लागत से बने 992 किलोमीटर लंबाई के मार्ग और 19 कार्यों का भूमि पूजन हुआ है। 2,609 करोड़ की लागत से बने 379 किलोमीटर लंबाई के मार्ग। अब मार्ग कौन से है इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा, लेकिन मध्य प्रदेश के चारों ओर फैले हुए हैं। अभी हमने ये तय किया है कि वीडियो से तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से तो लोकार्पण हो गया, लेकिन इन स्थान चिन्हित करके भाई एक कार्यक्रम करके वो लोकार्पण की पट्टिकाएं भी लगानी चाहिए और वहाँ छोटा कार्यक्रम करना चाहिए अलग अलग हिस्सों के। हमारे सांसद साथियों के साथ, केंद्रीय मंत्रीगण समय दे तो उनके साथ। ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है और पूरे मध्य प्रदेश को कनेक्टिविटी की दृष्टि से बहुत उन्नत करने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। हम माननीय गडकरी जी का अभिनंदन करते हैं। गोपाल भार्गव जी तो कार्यक्रम में थे ही, बाकी भी कुछ साथी मेरे कार्यक्रम से जुड़े थे। लेकिन आज एक बात और हुई है, माननीय गडकरी जी ने 20 से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग के काम, जिनकी लंबाई 764 किलोमीटर है और 10,000 करोड़ रुपया लागत है, कोरोना के कड़की वाले साल में
10,000 करोड़ की लागत के राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा करना और उस पर कार्रवाई प्रारंभ करना, यह मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसमें उज्जैन झालावाड़ 504 करोड़ का है, 132 किलोमीटर, सागर टोला कबीर चबूतरा 54 किलोमीटर 200 करोड़ का है, बुधनी रहटी नस्लागंज 43 करोड़ 160 करोड़ का है, इंदौर सनावत वोरगांव 136 किलोमीटर 3000 करोड़ का है, और वोरगांव बुरहानपुर अकोला 174 किलोमीटर ये 3800 करोड़ रुपए की लागत का है। फिर आज भारतमाला परियोजना के अंतर्गत माननीय अटल प्रोग्रेस वे, चंबल प्रोग्रेस वे के निर्माण के अलाइनमेंट की भी उन्होंने तत्काल स्वीकृति दी। जल्दी यह कार्य प्रारंभ किया जाएगा और इस मार्ग की लंबाई भी जो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से शुरू होके और सीधे हमारे भिंड मुरैना श्योपुर जिलों में से होते हुए राजस्थान जाएगा, 358 किलोमीटर की कुल लंबाई और 8100 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। और जैसा मैंने बताया कि दोनों ओर औद्योगिक क्लस्टर, लॉजिस्टिक हब, फूड प्रोसेसिंग उद्योग, स्मार्ट सिटी, मनोरंजन केंद्र के विकास, सड़क परिवहन मंत्रालय और मध्य प्रदेश की सरकार दोनों मिलकर करेंगे। उसमें जो हमारा एमएसएमई मंत्रालय है भारत सरकार का, वो हमको भरपूर योगदान देगा, सहयोग देगा। फिर सीआरएफ की अंतर्गत भी 700 करोड़ रुपए की राशि के तो मुख्यतः सांसद गणों के रिकमेंडेशंस पर दिए जाते हैं, कुछ हम भी देखेंगे, उनको परियोजना भी स्वीकृत करेंगे। फिर एक मध्य प्रदेश में जिन शहरों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के बाईपास निर्माणाधीन हैं, उनसे हमने मांग की थी कि शहरों के भीतर से जो पहले मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग थे उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई, उनका उन्नयन होना चाहिए। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट योजना के अंतर्गत एक ही बार देंगे, बाद में राज्य सरकार को करना है, 65 काम कुल 278 किलोमीटर के लंबाई के 182 करोड़ रुपए के, वो भी वो स्वीकृति देंगे परीक्षण के पश्चात, ये उन्होंने मुझे कहा है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण के साथ साथ हमने भगवान राम वन गमन पथ के निर्माण की योजना बनाई थी और मुझे खुशी है कि उसका एक भाग मैयर सतना चित्रकूट 121 किलोमीटर का अब राष्ट्रीय राजमार्ग की योजना के तहत निर्माण करवाया जाएगा। फिर राज्य की विभिन्न सड़कों पर जो ब्लैक स्पॉट के सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य राशि उपलब्ध राज्य को करवाई जाएगी, ऐसे 247 ब्लैक स्पॉट्स, मतलब जहां घुमावदार मोड़ होते हैं जिसपे एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा होती है, तो चिन्हित करके वहां काम शुरू किए जाएंगे। प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा जो ड्राइवरी का काम सिखाएगा, क्योंकि 20 लाख ड्राइवरों की ट्रेंड की जरूरत है आज भी देश को, इससे रोजगार मिलेंगे। तो हम हर जिले में एक ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे अपने सभी 52 जिलों में, और इंदौर और जबलपुर में बीओटी मॉडल पर लॉजिस्टिक हब प्रारंभ किया जाएगा। हम लैंड लॉक स्टेट है तो लॉजिस्टिक हब के लिए आदर्श है हमारा राज्य। ये जो अनेकों स्वागतें आज माननीय गडकरी जी ने दी है, उनके लिए हम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गडकरी जी का, अपने सभी केंद्रीय मंत्री साथियों का धन्यवाद करते हैं, हृदय से उनका अभिनंदन करते हैं, और इन स्वागतों के लिए आपको भी बहुत बधाई। केवल एक बात करके फिर हम कोरोना पे बात करेंगे, फिर मीटिंग करेंगे, फिर
आज लंबी मीटिंग चलेगी क्योंकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप हमारे सामने आना है। 1 सितंबर को ये केंद्र की, मंगलवार को तो नहीं होती वो कैबिनेट, एक बार पता करना, मंगलवार को तो नहीं होती, नहीं तो कोई केंद्रीय मंत्री नहीं आए। मैं फिर आखिरी में बताऊंगा तब तक पता करके, नहीं तो फिर एक का दो करेंगे, तब तक अभी कोरोना की बैठक प्रारंभ करें।